भगवान गणेश को भूल कर भी अर्पित न करें, यह 5 चीजें। गणेश जी की पूजा करने से वो भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और सभी दुखों को हर लेते हैं। हालांकि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें भगवान गणेश की पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इन चीजों को चढ़ाने से गणपति बाप्पा नाराज हो जाते हैं। आइए जानते हैं कौन सी वो चीजें हैं। पहला है केतकी के फूल। कहा जाता है कि भगवान गणेश को सफेद फूल या केतकी के फूल भी नहीं अर्पित करने चाहिए। दरअसल शिव जी को केतकी के फूल पसंद नहीं है, जिसकी वजह से भगवान गणेश को भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। दूसरा है टूटे हुए अक्षत। गणेश जी की पूजा में अक्षत यानी चावल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो टूटे हुए ना हो। टूटे हुए अक्षत चढ़ाने से पूजा का अशुभ फल प्राप्त होता है। तीसरा है सूखे फूल। कभी भी भगवान गणेश की पूजा में सूखे और बासी फूल भूल कर भी ना चढ़ाए। पूजा में सूखे हुए फूलों का प्रयोग करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में दरिद्रता आती है। चौथा है सफेद चीजें। धर्म शास्त्रों के अनुसार कभी भी भगवान गणेश की पूजा में सफेद वस्त्र, सफेद जनेऊ और सफेद चंदन ना चढ़ाए। पांचवा है तुलसी। मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश की पूजा में गलती से भी तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गणेश की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करने से भगवान गणेश नाराज हो जाते हैं और पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है। भगवान गणेश की पूजा में बस इन बातों का विशेष ध्यान रखें और पूरे मन से बाप्पा की पूजा अर्चना करें। बाप्पा बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं और मन चाहा वर प्रदान करते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।